मध्य प्रदेश केस शिल्पी बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त नंद किशोर वर्मा आज गुना पहुंचे। यहां द प्रेम श्री सैलून पर इनका जोरदार स्वागत किया गया। सैलून के संचालक सुभाष सेन ने इनके सामने कई बातें रखी हैं और इन बातों को सरकार तक पहुंचाने का आग्रह भी किया। साथ ही यहां केस शिल्पी बोर्ड के अध्यक्ष नंद किशोर वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए भी कई सवालों के जवाब दिए। ये रूटीन प्रक्रिया है, चुनावी का दौर का या माहौल का कोई इसके अंदर मतलब वो नहीं है। ये तो जो हम पूरी मॉनिटरिंग करने के लिए अभी सब जो है मेरा कार्यकाल भी दोबारा बढ़ाया गया, तो मैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर की केस शिल्पी कल्याण योजना का क्या क्या लाभ मिल रहा है लोगों को या हमारे हितग्राही पंजीयनों को, उसका लाभ मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा, किस रूप में मिल रहा है, कितनी संख्या में मिल रहा है, इस चीज़ को ही मॉनिटरिंग करने के लिए ही पूरे मध्य प्रदेश के दौरे पर मैं निकला हूँ और सारी जगह से ये जानकारी एकत्रित कर रहा हूँ। मैं मतलब क्या पाया आपने अपने इस दौरे में? नहीं पाया तो ये है कि सर मतलब वाकई में कमियाँ तो बहुत सारी है और ऐसा लगता है कि जैसे अधिकारी वर्ग और कर्मचारी वर्ग का है काम बराबर कर नहीं रहे और जिस तरीके से लाभ समाज को मिलना चाहिए, आदि तबके को भी मिलना चाहिए सारी योजनाओं का लाभ। एक ऐसा नहीं कि केस शिल्पी के लिए ही मतलब लाभ, अन्य योजनाओं में मुझे ऐसा लगा कि मतलब जो है अधिकारी वर्ग जो है उन लोगों को लाभ बराबर नहीं पहुँचा पा रहे और हम प्रयास करेंगे कि भोपाल जाने के बाद में कोई ऐसा अधिकारियों से बैठ करके और हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके इस प्रकार की योजना बनाएंगे कि अधिकारी अधिक से अधिक लाभ सारी योजनाओं का मुख्यमंत्री द्वारा घोषित योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाए, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। गुना का आपके सैन समाज का लड़का जो विदेश में भी अपनी कला का प्रदर्शन करके आया और गोल्ड मेडल लेके आया, उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? उसके लिए अभी मेरी उससे चर्चा हुई है, परसों के दिन भी मेरी उससे चर्चा हुई थी, उसकी सहायता जितना भी जो हो सके। मैंने उसको बोला है कि भाई अगर तुम्हें कोई एकेडमी डालना है या किसी को कोई अच्छा कार्य करना है तो उसके लिए शासन जितना भी हो सके पूरी मदद करेगी और मुख्यमंत्री जी की भी ये मंशा है कि अच्छा व्यवसाय करने के लिए हम हर व्यक्ति की मदद करने को तैयार हैं, क्या उसका आर्थिक रूप से मदद की जाएगी और उसको अन्य रूप में भी जो भी मदद हो सकेगी वो करेंगे। उसने मुझसे बोला है कि बेटा भैया मुझे विदेश जाने के लिए, तो मैं मुख्यमंत्री जी से उसके बारे में चर्चा करूँगा। थोड़ी हो रही है रेलवे स्टेशन वाली, वहाँ पर हमारे कुछ बंधु थे उनकी दुकानें टूटी है, मैंने अभी सीएमओ साहब से बोला है, उन्होंने आश्वास्त किया है कि सर हम इनको बिल्कुल जो है जगह चिन्हित करके और अन्य जगह पे इनको व्यवसाय करने के लिए जगह उपलब्ध कराएंगे। क्या